मेरे चैनल के लिए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो इनके साथ शेयर करो। हम बात करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मीनिंग होता है उस this process called glycolysis. Yeah. Glycolysis disco did it made mayor hop and parnas what kiya tha, that's why it's called EMP pathway. ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है रेस्पिरेशन। क्या क्या है फर्स्ट समझ में आएगा कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ग्लूकोज में से पाइरूवी कैसे लेगा। हमारा मेन क्या होना चाहिए, हमारा मेन कंसर्न ये है वो कन्वर्ट हो जाए, हो गया क्लियर। तो फाइनली आपको इतना पता होना चाहिए ग्लूकोज कन्वर्ट पाइरूवी कैसे, तो कितने स्टेप के अंदर ही खत्म होता है, तो ऐसे 10 स्टेप के अंदर ही खत्म हो जाता है। कितने स्टेप के अंदर खत्म होता है, 10 स्टेप के अंदर खत्म। क्लियर। आज हम दूसरा बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ग्लूकोज कन्वर्ट इन टू द पाइरूविक। क्लियर, कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखो जो कोई भी दुनिया के अंदर साइकिल बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, क्लियर, कोई भी दुनिया के अंदर जो साइकिल चलती है वो डायरेक्ट आपको एटीपी मिलते हैं, अदरवाइज आपको एनएडीएच टू एफएडीएच टू थ्रू के एटीपी मिलते हैं। ये एनएडीएच टू एफएडीएच टू क्या है, एंजाइम है। क्या है बच्चा, एंजाइम है। जो डायरेक्ट थ्रू एटीपी मिलते हैं उसको मैं बोलूंगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलूंगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फो, इसको मैं एसएलपी बोलूंगा। क्लियर। और कोई भी साइकिल के अंदर एनएडीएच टू एफएडीएच टू थ्रू के एटीपी में, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला मैंने उसको, ऑक्सीडेटिव लेवल को। तो दुनिया के अंदर एटीपी तरीके से क्लियर, मैं बात करूंगा साइकोलिक नहीं मिला तो वो अब बात करता हूँ ग्लूकोज में से पाइरूवेट कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। आपको मैं आपको एक एक याद रखना है। देखो ग्लाइकोलिसिस के अंदर बच्चा दो स्टेप चलते, कौन कौन से स्टेप चलते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेप का नाम है प्रिपरेटरी फेज, फेज में नाम बोला प्रिपरेटरी, और मैंने उसको बोला फॉस्फोराइलेशन। सेकंड में आपको बताऊंगा ग्लाइकोलिसिस के बोला है उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव, और उसको मैं बोलूंगा डीफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलूंगा, फॉस्फोराइलेशन। तरीके से ग्लाइकोलिसिस के
फर्स्ट चलती है प्रिपरेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव। तो हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस को एक एक स्टेप पढ़ने की, आपको याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर फर्स्ट क्या होता है बच्चा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। मैं देखो मेरी स्क्रीन के अंदर मैं लिखूंगा शॉर्टकट के अंदर और मैं बोलूंगा फुल फॉर्म, क्लियर। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज वन सिक्स बाय फॉस्फेट। आपको इतना क्लियर हो गया, ग्लूकोज कन्वर्ट क्लियर सिक्स फॉस्फेट एंड कि जितने भी मैंने नाम तो मैंने बोला सब्सटेंसेस आर पार्टिसिपेट दो सब्सटेंस आर साइटिक फिर वो देखेंगे ये हर एक की खुद की वैल्यू होती है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू आर क्यू वैल्यू वन होती है, तो आपको याद रखना है, क्लियर। इतना जो मैंने स्टेप लिखा ये बच्चा मैंने जो स्टेप लिखा उसको मैं बोलूंगा इतने तक, क्लियर। प्रिपरेटरी फेज तो मैंने क्या बोला प्रिपरेटरी फेज, और इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेटिव, क्या बोलूंगा प्रिपरेटरी फेज और उसको मैं बोलूंगा फॉस्फोराइलेशन। ट्राइफॉस्फेट था और यहाँ पे डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट प्लस डाइफॉस्फेट तो आपको एक फॉस्फेट मिला, टू प्लस वन थ्री, थ्री में से टू मिला तो बाकी का वन कहाँ पर चला, सिक्स
की बात करूंगा, तो वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले लेके इलेक्ट्रॉन बनाएगा, उसके बाद वहां पर डायरेक्ट डिग्री भी नहीं बना। हम बात करते हैं 2NAD का, फिर 2NAD2 बोलते हैं, 2NADH2 2NADH+2H+ अदरवाइज 2 ब्रैकेट के अंदर NADH+H+ 1-3 DPGA यहां पे बाय करते हैं। यहां पे फास्फेट, एक फास्फेट आपको यहां पे मिला, बाय फास्फेट के यहां पे फास्फेट एक फास्फेट रिलीज होता है, तब आपको समझना चाहिए एडीपी कन्वर्ट की ऊपर वाले स्टेप के अंदर क्या था, एटीपी कन्वर्ट हो रहा है, क्रॉस हो रहा था आपको एटीपी मॉलिक्यूल 3PGA 2PGA 3 मिला ग्रुप तो ही लिखने के 2PGA 2 वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप 1 है, हाउ मेनी वाटर इज आएगा 2, नेक्स्ट स्टेप में और बात करते हैं फॉस्फोइनोपाइरूविक एसिड कन्वर्ट पाइरूविक एसिड। तो यहां पे फॉस्फेट आपको मिल रहा है, तो फिर से मैं यहां पे लिखता एडीपी जो पूरा जितना भी मैंने स्टेप था इसका बच्चा क्या फेज है डी फॉस्फोपाइरूविक। अदरवाइज जहां जहां पर NADH2 बन रहा है तो वहां पर मैं लिखूंगा ऑक्सीडेटिव फेज, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? ओके, तो फिर से मैं बताता हूँ, मेरे सामने देखना ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट डिवाइड इंटू 3 2 parts 3-3 कार्बन धाप एंड पागल, पागल कन्वर्ट इंटू दी 1,3 BPGA, 1,3 BPGA कन्वर्ट इंटू 3 PGA, 3 PGA कन्वर्ट इंटू दी 2 PGA, 2 PGA कन्वर्ट इंटू दी PEP एंड PA। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप के अंदर प्रिपरेटरी फेज के अंदर -180 भी बता देना। पागल में से जब भी 1,3 BPGA बन रहा है वो ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन है, बाकी सब जगह ग्लाइकोलिसिस के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो वहां पर 2NAD कन्वर्ट इंटू दी 2NADH2। नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर लिखेंगे 2 ADP कन्वर्ट इंटू दी 2 ATP, यहाँ पे आपको 2 ATP का फायदा मिल रहा है, और लास्ट में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आपको 2 ATP का फायदा हो रहा है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्ट ATP आपको कितने मिलते हैं, क्लियर? तो आंसर आएगा 4। कौन से स्टेप के अंदर मैं बोलूंगा, आप बोलोगे डी फॉस्फोराइलेशन फेज और ऑक्सीडेटिव फेज के, और मैं आया कि नहीं आया। तो फाइनली मैं आपको एक बैलेंस शीट बता देता हूँ ग्लाइकोलिसिस की, किसकी बात करूंगा, बैलेंस शीट की अंदर, क्लियर? बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है, तो मैं लिखूंगा प्रिपरेटरी जो फेज होता है उसके अंदर आपको कितने ATP लॉस हुए, 2 ATP लॉस हुए, क्लियर? हाँ, ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर मैं बोलूंगा पागल में से जब भी 1,3 BPGA कन्वर्ट हो रहा था तो वहां पर आपको NADH2 ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कितने ATP मिले, 2 NADH2, बट 1 NADH2 बराबर 3 ATP, तो 2 NADH2 इज इक्वल टू 6 ATP। और सब और बाकी के नीचे वाले स्टेप के अंदर ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कितनी ATP मिले थे, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था ही प्रिपरेटरी फेज के अंदर, बट यहाँ पे ATP लॉस हो रहा था, नीचे यहाँ पे 4 ATP मिले, तो 6 + 4 = 10, 10 - 2 = 8। अगर मैं बोलूंगा कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, देखो ये जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस वो पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसको एनर्बिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्लियर? बट हम कंसीडर नहीं करेंगे, जनरली अगर ऑक्सीजन मिला तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, बट ग्लाइकोलिसिस अभी अकेले की बात कर रहे हैं तो हम उसको
चलो मिलते हैं।